अहलन सदीक, हिंदी से अरबी सेम टू सेम शब्दों का यूज़ कैसे करें। कुवैत अरबी क्लास 29 में आज हम जानेंगे कि जो हम हिंदी में बोलते हैं उसी को सेम टू सेम अरबिक भाषा में भी आप बोल सकते हो कुवैत में। वैसे फ़िलहाल मैंने इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो आपको पिक दिख रही है, इस 24 भाग को जाकर के आप देख लीजिएगा। इसमें हमने करीबन 100-150 शब्दों को बताया है जो हिंदी में आप तो बोलते हैं लेकिन सेम टू सेम कुवैत में भी वही चीज बोली जाती है। तो आज पहला शब्द है मौजूद। मौजूद को हम हिंदी भाषा में मौजूद यानी किसी प्रेजेंट टाइम में होना, उसे मौजूद बोलते हैं। इसी को अरबिक भाषा में हम वाक्यों में इस्तेमाल कैसे करेंगे आज हम इस वीडियो में सीखते हैं। चलिए सबसे पहला वाक्य हम लेते हैं, मैं मार्केट में हूं, आई एम इन द मार्केट। इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, अना मौजूद सूक। क्या बोलते हैं, अना मौजूद सूक। अब अना माने मैं हो गया, मौजूद तो आप प्रेजेंट टाइम में मौजूद हो, और सूक मीन्स हो गई बाजार या मार्केट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग गल्फ कंट्रीज में और भी जो अरबिक बोली जाती है थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, वहाँ पर इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से भी बोला जाता है। जैसे मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन द मार्केट, इसको कुवैत में अना मौजूद सूक बोलेंगे, और इसको दूसरी तरीके से बोलेंगे अना फी सूक। अना फी सूक। अब फी का यूज़ मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने अरबी ग्रामर की एक वीडियो बनाई है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं कि फी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अना फी सूक भी लगा सकते हैं, लेकिन कुवैत में आप ज़्यादातर लोग इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हिंदी के शब्द को सेम टू सेम सेंटेंस में मिला करके बोलते हैं। तो आज मौजूद शब्द को हमने बताया है आपको अना मौजूद सूक, और भी इसी से रिलेटेड वाक्यों को आप जान लीजिए जो रोज़मर्रा एनी टाइम दिन भर में 10 मरतबा आपको बोलना ही पड़ेगा अगर आप अरबिक भाषा में बोलना चाहते हैं। तो अरबिक भाषा आपको जल्दी सीखनी है तो इसके लिए मौजूद शब्द का इस्तेमाल दिन भर में कितने वाक्यों में होता है आज पूरी कंप्लीट वीडियो में इसकी इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। दूसरे नंबर पर मैं हमाम में हूँ। कभी कभी होता है क्या ना, कफील का फ़ोन आता है, आपको बोलना पड़ता है टॉयलेट में हो, नहा रहे हो, क्या है क्या नहीं, ना हमाम में हूँ। अगर आपको ये बोलना पड़े आई एम इन हमाम, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अना मौजूद हमाम। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि मौजूद चलता नहीं ना, जी नहीं ना, आप कुवैत में आओ या कुवैत में कोई है तो उससे पूछो, आपको बताएगा। अना मौजूद हम्माम, प्रेजेंट टाइम में मैं हूँ। हम्माम को हम्माम बोलते हैं, मौजूद को मौजूद बोलते हैं अरबिक भाषा में, और सेम टू सेम आप हिंदी में भी इसी तरह से इस्तेमाल करते आ रहे हो पहले से। तो मैं हम्माम में हूँ, आई एम इन हम्माम, अना मौजूद हम्माम अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। सऊदी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं अना फी हम्माम, अना फी हमाम। आप यहाँ पर मौजूद नहीं लगाएंगे, वैसे फ़िलहाल कुवैत में सऊदी में भी मौजूद का इस्तेमाल मौजूद यानी कि प्रेजेंट टाइम में किया जाता है। इसके बाद मैं मालिया में हूँ। अब मालिया कुवैत का एक मंतका है, एक सिटी का एक पार्ट है, बहुत फेमस पार्ट है, सभी लोग जानते हैं। मैं मालिया में हूँ, आई एम इन द मालिया, अना मौजूद मालिया, अना मौजूद मालिया। अगर आपका कफील आपसे पूछे तुम कहाँ हो, इंते वैन मौजूद, तो इंते वैन मौजूद ही बोल सकता है, इंते वैन ही बोल सकता है, तुम कहाँ हो, इंते वैन, और मौजूद लगा देगा तो प्रेजेंट टाइम में तुम कहाँ पे हो। समझ गए ना, आप समझ रहे हो कि मौजूद का इस्तेमाल प्रेजेंट टाइम में होता है, यहाँ पर आप हो तो इंते वैन यानी कि तुम कहाँ हो, इंते वैन मौजूद, तुम कहाँ पर मौजूद हो, तो आप बोल सकते हो अना मौजूद मालिया। क्या बोलोगे, अना मौजूद मालिया, मैं मालिया में हूँ। अब मालिया कोई पार्टिकुलर एक ही सिस्टम नहीं ना, आप कहीं भी हो सकते हो, उसका इस्तेमाल वहाँ पर आप इंक्लूड कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं फाहिल में हूँ, आई एम इन द फाहिल, तो इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे, अना मौजूद फाहिल। अब अरबिक भाषा में और इंग्लिश में फाहिल होता है, लेकिन लोग लगभग यहाँ पर कुवैत का एक मंतका फाहिल जो कि एक सी साइड है तो वहाँ पर लोग जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं अना मौजूद फाहिल। इसके बाद अगर आप कुवैत सिटी में हैं, मैं कुवैत सिटी में हूँ, तो कुवैत सिटी में आई एम इन कुवैत सिटी, तो यानी कि आप कुवैत सिटी में, तो इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, अना मौजूद कुवैत सिटी। अब कुवैत
कुवैत को कुवैत बोलते हैं, वैसे फिलहाल अरबिक भाषा में कुवैत को दौलतुल कुवैत बोलते हैं, लेकिन कुवैत सिटी सिटी आप बोल सकते हो, सभी लोग कॉमन सा वर्ड्स है, आप समझ सकते हो, कफील भी समझ सकता है। तो आना मौजूद कुवैत सिटी। इसके बाद मैं मदरसे में हूँ। अब जितना भी आपको मैं सेंटेंस बता रहा हूँ ये रोज़ आपको बोलना पड़ेगा, इसके बोले बगैर आपका काम नहीं होगा। अगर इस वीडियो को आपने 4-5 मरतबा 10 मरतबा रिपीट करके सुन लिया, देखना नहीं ना लिखना नहीं ना, वीडियो में कुछ है नहीं जो देखो, आपको सिर्फ सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ। सुन करके अरबी भाषा आप सीख सकते हैं, जैसे बच्चे पैदा होने के बाद सुन सुन करके पेरेंट्स की बातों को दिमाग में बैठाते और बोलते हैं, इसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज को सीखने की एक ट्रिक्स है। आजमाना हो आजमाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं मदरसे में हूँ, आई एम इन स्कूल। मैं अब स्कूल यहाँ इंग्लिश में बोलेंगे, फिलहाल मदरसा बोलते हैं हिंदी में मदरसा, लेकिन जहाँ पर उर्दू अरबी पढ़ाई जाती उसे मदरसा बोलते हैं, और कुवैत में स्कूल को मदरसा ही बोलते हैं, चाहे वो उर्दू अरबी वाला सिस्टम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो एक स्कूल ही क्यों ना हो, उसे मदरसा ही बोलते हैं। तो मदरसा मदरसा सेम टू सेम इस्तेमाल कर सकते हो आप। मैं मदरसे में हूँ, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे अना मौजूद मदरसा, अना मौजूद मदरसा। अब आपका कफील यहाँ पर पूछ ले इंते वैन, तुम कहाँ हो, इंते वैन तुम कहाँ हो, तो आप अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे अना मौजूद मदरसा, आप मदरसे में हो, आप इस तरीके से अरबी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद एक शब्द और जो आपको रोज़मर्रा बोलना ही बोलना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, जैसे मैं कमरे में हूँ, तो आपको अरबी भाषा में कैसे बोलना है अना मौजूद गुरफा, अना मौजूद गुरफा, मैं कमरे में हूँ। इसके बाद मैं घर में हूँ, घर में हूँ यानी कि घर के अंदर हो, बाहर नहीं हो। वैसे फिलहाल अंदर की एक अलग अरबिक होती है, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल अरबिक आपको बता रहा हूँ जो आप सुन करके समझ सकते हो, बड़ी आसानी से आप बोल सकते हो, फिर बाद में मैं आपको और टफ करता जाऊँगा और आपकी अरबिक स्पीकिंग इम्प्रूव होती जाएगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं घर में हूँ, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अना मौजूद बेत, अना मौजूद बेत। अब बेत मीन्स होता है घर, और मौजूद तो मौजूद है, अना माने मैं। वैसे फ़िलहाल मैंने इन मैं कब कहाँ क्यों कैसे इन सब चीज़ की वीडियो को पहले से अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हो। अब ये तो घर की बात होगी, मैं बाहर हूँ, मैं घर के बाहर हूँ या मैं बाहर हूँ, आई एम आउटसाइड, इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे अना मौजूद बर्रा, अना मौजूद बर्रा। बर्रा मीन्स होता बाहर, और मौजूद माने कि आप प्रेजेंट टाइम में बाहर हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले या ना पूछे, अगर आपको बोलना पड़ जाए मैं इंडिया में हूँ, बहुत से लोग छुट्टी जाते हैं, कफील से बात करते हैं या किसी अदर कफील से बात करते हैं, तो कोई कफील पूछता है या कोई नहीं पूछता है, तो मैं इंडिया में हूँ, आई एम इन द इंडिया, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अना मौजूद हिंद, अना मौजूद हिंद। अब इंडिया को मैंने हिंद इसलिए कहा क्योंकि इंडिया का बहुत सारा नाम है, हमारे भारत देश का बहुत सारा नाम है, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में, अरबिक कंट्रीज़ में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत ये सब नहीं बोलते, हिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंद। हिंद मीन्स हिंदुस्तान या इंडिया जो भी है, तो यहाँ अरब कंट्री में हिंद बोलते हैं, अना मौजूद हिंद। मैं सऊदी में हूँ, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे अना मौजूद सऊदी, अना मौजूद सऊदी अरबिया, अना मौजूद जद्दा। अब पार्टिकुलर कोई भी एक कंट्री में कोई भी जगह हो सकती है, वहाँ पर आप उसको इंक्लूड करते जाइएगा, तो अना मौजूद सऊदी, तो ये आपका सेंटेंस यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद कुवैत में यहाँ पर आएंगे तो हुसैनिया आपको जाना पड़ेगा, हुसैनिया की ड्यूटी रहती है, तो हुसैनिया से रिलेटेड आपसे कोई भी पूछ सकता है तुम कहाँ हो, तो अगर आप हुसैनिया में हो तो आप बोलोगे मैं हुसैनिया में हूँ, आई एम इन हुसैनिया, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अना मौजूद हुसैनिया, क्योंकि हुसैनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रोग्राम्स कुवैती के होते रहते हैं तारीख के हिसाब से, तो हुसैनिया को हुसैनिया ही बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में भी और अरबिक में भी, तो अना मौजूद हुसैनिया, ओके। अगर आप रास्ते में हो, इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे, तो इसको बोलेंगे अना मौजूद तरीक, क्या बोलेंगे अना मौजूद तरीक। बहुत बहुत से लोग तरीज भी बोल सकते हैं, तरीज भी बोलते हैं, लेकिन बस वही है ना, लोगों का कहने का सिस्टम अलग अलग होता है। अना मौजूद तरीक आप बोलोगे, आपका सिस्टम समझ लिया जाएगा कि आप
ऑन द वे हो, मैं गाड़ी में हूँ, आई एम इन द कार, इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? अना मौजूद सैयारा, अना मौजूद सैयारा, सैयारा मीन्स होता है गाड़ी, कोई भी कार, ठीक है। तो अना मौजूद सैयारा यानी कि आप गाड़ी में हो। इसके बाद मैं ऑफिस में हूँ, आई एम इन ऑफिस, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे अना मौजूद मकतब, क्या बोलेंगे? अना मौजूद मकतब, मकतब मीन्स होता है ऑफिस, अब वो कोई भी ऑफिस हो सबको ये मकतब ही बोलते हैं, ठीक है। मैं बगीचे में हूँ, आई एम इन द गार्डन, इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? अना मौजूद हदीका, क्या बोलते हैं? अना मौजूद हदीका, हदीका को बोलते हैं गार्डन, या कहीं भी फूल फुलवारी लगी या पानी देने का काम करते हैं तो गार्डन को हदीका बोलते हैं। तो अना मौजूद हदीका यानी कि आप हदीके में हो। इसके बाद मैं दुकान में हूँ, अब दुकान को अरबी भाषा में क्या बोलेंगे अभी मैं बताऊंगा, लेकिन आई एम इन शॉप, तो इसको अरबी भाषा में बोलते हैं अना मौजूद बकाला, क्या बोलेंगे? बकाला, दुकान को बकाला भी बोलते हैं, लेकिन बकाला दुकान ये छोटी शॉप हो गई, क्योंकि यहाँ पर शॉप की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग नामों से पुकारा जाता। आगे चल करके मैं वीडियोस में अपडेट करता रहूँगा और आपको बताता भी रहूँगा। इसके अलावा कुवैत में एक सालमिया है, बहुत अच्छा एरिया है सालमिया, मैं सालमिया में हूँ, आई एम इन द सालमिया, इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? अना मौजूद सालमिया, अना मौजूद सालमिया। अब कुवैत में सालमिया है, फाहिल है, मिरकाब है, मालिया है, ये सब ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जाया करते हैं, तो लगभग लगभग लोग ज़्यादा जाते हैं, इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इस तरह से आप अरबी भाषा में किसी को भी बता सकते हो कि आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर मौजूद हो, ठीक है। तो आप अगर सालमिया में हो तो अना मौजूद सालमिया। इसके अलावा अगर आप किसी भी मंतके में गए हो, सपोज करिए कि आप किसी वर्क के पर्पस से गए हो, तो वहाँ पर अगर आपको लगाते, जिससे कि मिसाल के तौर पर मैं मिश्रिफ में हूँ, आई एम इन मिश्रिफ, आई एम इन द मिश्रिफ, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे अना मौजूद मिश्रिफ। अब मिश्रिफ कोई एक अरबिक मंतका, एरिया, गांव का, एक कस्बे का नाम है, ठीक है। यहाँ एरिया वाइज नाम होता है, कोई एक लफ्ज़ नहीं ना कि इसके मायने मैं आपको बताऊँ, तो मिश्रिफ एक जो है एरिया है। तो इसी तरीके से आप मौजूद शब्द का इस्तेमाल अपने रोज़ बोले जाने वाले वाक्यों में कर सकते हैं, जो कि हिंदी का ही शब्द है लेकिन अरबिक लैंग्वेज में सेम टू सेम कुवैत में चलता है। अब आप इससे मौजूद से रिलेटेड कमेंट करने से पहले आप किसी से और भी पूछ सकते हैं, क्या इन शब्दों का इस्तेमाल और दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैसे फ़िलहाल मैंने एक तरीका और बता दिया, जैसे कि मैं सालमिया में हूँ, अना फी सालमिया, आप मौजूद की जगह पर फ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर फ़ी का इस्तेमाल सऊदी में किया जाता है, लेकिन कुवैत में भी फ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, आगे चल करके मैं बतलाऊँगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर जिस जगह पर मौजूद हैं तो हिंदी से अरबी सेम टू सेम शब्दों का यूज़ इसी तरीके से करेंगे कि मौजूद को मौजूद ही कुवैत में इंक्लूड करेंगे रोज़ बोले जाने वाले वाक्यों के साथ। तो आई होप कि ये मौजूद सिस्टम आप समझ चुके होंगे। हिंदी से अरबी सेम टू सेम शब्दों का 24 नंबर पार्ट आप जाके देख लीजिए, उससे रिलेटेड मैं वाक्यों को ट्रांसलेट करके आपको बताता रहूँगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना डियर बहुत ही ज़रूरी है, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर एक वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले पहुँचेगी और सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। तो सब्सक्राइब नाउ और मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।